सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं चार्ट टेक सेटअप चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं विंडोज 11 का एक लीक्ड वर्जन लॉन्च हो चुका है, जो सब जगह लीक हो चुका है। अगर आप कहीं भी इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। तो बहुत यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो उस पर बना देता हूँ और देख लेता हूँ मेरा एक्सपीरियंस और इसमें क्या फीचर्स नए हैं जो विंडोज़ 10 से ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप सबको पता है विंडोज़ 10 को करीब करीब 6 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए। 2015 को विंडोज़ 11 लॉन्च हुई थी और अभी आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 का लॉन्च 24 जून को हो सकता है, क्योंकि आप जैसे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट है जो 24 जून को 11 AM सुबह ग्लोबली वर्ल्ड वाइड होने वाला है, जिसका आप गेट अ रिमाइंडर, मतलब आप रिमाइंडर भी अपने में लगा सकते हो अपने पीसी के अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा जब भी ये लाइव होगा। ज़्यादातर लीक से ही आ रही है विंडोज़ 11 24 जून को ही रिलीज़ होने वाली है, बट उससे पहले आप अनफॉर्चुनेटली कोई एक लीक हो चुकी है विंडोज़ का एक मैं कह सकता हूँ एक वर्जन विंडोज़ 11 का, जो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपके में आने वाली है नहीं। तो वैसे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, अगर आपको विंडोज़ 11 अपने पीसी में इंस्टॉल करनी है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके, रफस एक सॉफ्टवेयर है उससे आप इसे बूटेबल इमेज बना सकते हो, जो बहुत ईजी स्टेप है। कोई आपको मेजर मैं स्टेप कह नहीं सकता, तो उसको दिखाने कोई मतलब है नहीं, आप सबको इतना तो आता ही है। और अगर आपको उसके वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट में जरूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। और जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब जब ये विंडोज़ 24 को लॉन्च हो जाएगी या जब भी इसका लॉन्च टाइम आता है, तो आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि अपने आप आपकी विंडोज़ आपके यहाँ पे 11 पे पहुँच जाएगी अपडेट दी। तो या तो आप अगर विंडोज़ को अपने अपडेटेड रखते हो तो आपके में विंडोज़ 11 का ऑप्शन आ जाएगा 24 के बाद, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके वहाँ से आप एक डाउनलोड टूल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉलेशन मीडिया, उसे डाउनलोड करो और सिंपली आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपनी विंडोज़ को अपग्रेड करने का। उसमें ऑप्शन आता है अपग्रेड दिस पीसी, और आप चाहो तो एक बूटेबल पेंडर भी बना सकते हो। तो आपको सिंपली बस अपडेट करना है तो आपका 11 का अपडेट आ जाएगा जब 24 के लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद कह रहा हूँ जो अभी ये लॉन्च हो चुका है ISO, उसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से रफस से कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप है। तो कैसे देख लेते हैं इसकी रिव्यू कैसी है ये विंडोज़ 11। तो गाइस, विंडोज़ 11 का कुछ जो आप सामने देख सकते हो, विंडोज़ मतलब जो आपका होम होता है डेस्कटॉप, वो देखने में कुछ कुछ ऐसा मिनिमलिस्टिक सा है, और आपको में बीच में जो टास्क बार है वो थोड़ा एप्पल का जैसा लुक देता है, मतलब मैक जो OS है उसमें भी आपको बीच में ही ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। और इसमें जो एनिमेशंस हैं वो इस विंडोज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं विंडोज़ 10 से। और आपने कहीं विंडोज़ 10 में देखा होगा काफ़ी बार कि आपकी जो मेमोरी है, मतलब आपकी रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे आपका पीसी आइडल हो या यूज़ पे हो, तो इसमें वो चीज़ को फिक्स करा गया है। मैंने इसमें लीक्स पढ़ी हैं कुछ वेबसाइट्स पे, तो आप इस तरह से टास्क बार भी, मतलब जो विंडोज़ होम बटन होता है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं सारी ऐप्स के, और राइट में आपको ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप सारी ऐप्स को जैसे कर सकते हो एक्सेस, जैसे आपने कभी विंडोज़ फ़ोन को यूज़ करा है तो उसमें आपको ऐसा फीचर दिखाई देता था, मतलब आप उस पर क्लिक करोगे ऑल ऐप्स पे तो आपको सारी ऐप्स साइड में दिख जाएंगी। तो आप जैसे सारी ऐप्स आपको यहाँ मिल जाएगी, आप चाहो तो इसे मेन पेज पर भी अपने पिन कर सकते हो और वो आपकी मेन पेज पे आ जाएगी। तो इसका लुक जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक और काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा सा लुक है। इसमें आपको एक नई ऐप भी देखने को मिली है, इसका नाम है गेट स्टार्टेड, तो आप इस पर क्लिक करोगे ये अभी वर्क नहीं करेगी, जब आप विंडोज़ 11 को ऑफिशियल डाउनलोड करोगे बाय करके या कैसे भी आप करना चाहो तब ये आपकी सारी वर्क करने लगेगी। तो अभी इसमें कुछ भी आया नहीं है, क्योंकि अभी कोई अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया नहीं है, ये एक ही कोई एक पैच नोट है जो हमें मिल चुका है, जो लीक हो चुका है कह सकते हो आप एक तरीके से। तो इसमें सेटिंग्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे विंडोज़ अवेलेबल और विंडोज़ अप टू डेट दिखाएगा, क्योंकि कोई अपडेट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक पैच नोट है तो इसके अपडेट्स आने वाले हैं नहीं। माइक्रोसॉफ्ट को अगर इसके बारे में पता चल चुका है तो वो इसके अपडेट सारे बंद कर देगा। अब जाते हैं इसके फाइल एक्सप्लोरर में, मतलब दिस पीसी के अंदर, तो वो आप देख सकते हो सामने काफ़ी अच्छा लुक है, मतलब जो पहले वाला था उससे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी। और थोड़े इसमें आपको देख सकते हो गैप्स आपके थोड़े से ज़्यादा हैं, जो आपके टाइल्स होती हैं, मतलब जो आपकी फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, या आपके दिस पीसी में सी ड्राइव और डी ड्राइव, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बढ़ा दिया है। और इसका फॉन्ट वही सेम है बिल्कुल जो पहले आपके विंडोज़ में आता था, और इसकी जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आप देख सकते हो। और इसमें जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो जैसे आप यहाँ पे मैक्स आउट विंडो पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो अपनी विंडोज़ को, मतलब सजेशंस कि आप उसे राइट में एक विंडो को डाल लो, लेफ्ट साइड अपनी एक विंडो को डाल दो,
मल्टीटास्किंग की इसकी एक्सेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सामने से तो यहाँ पे हमारे टास्क बार की सेटिंग्स में जो आपको नीचे जो मेन होम होता है, तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब जो पुराना विंडोज़ था उसमें तो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन थी, मतलब विंडोज़ 10 में आप उसका थोड़ा होम वोम को हटा सकते थे, बट इसमें आपको कस्टमाइजेशन का लेवल एक थोड़ा सा ऊपर मिला है, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और मैंने सुना इसमें गेमिंग भी काफ़ी आपकी अच्छी होने वाली है, मतलब ऑप्टिमाइज ज़्यादा है ये विंडोज़, तो गेम भी आपके ज़्यादा स्मूथ चलेंगी और आपकी आइडल पे सीपीयू की यूसेज बहुत कम होने वाली है। तो गैस आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का जो बटन है, इसमें कॉर्टाना को इस बार उन्होंने हटा दिया, क्योंकि कॉर्टाना एक काफ़ी ज़्यादा फेलियर है विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन्स में भी और पीसी के अंदर भी, क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ही है। यहाँ आप थीम अगर आप चाहो तो यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो, डार्क थीम भी कर सकते हो, तो जो मैं वही करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने के लिए। सो गाइस आप बात कर लेते हैं इस विंडोज़ की, तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप विन वर्ड डालोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ का आपका बिल्ड का वर्जन का पता चल जाएगा, जो आपके विंडोज़ 10 में भी पता चल जाता है, बट इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो गाइस यही थी विंडोज़, देखते हैं कैसी होने वाली है, पता चल ही जाएगा 24th को जब भी लॉन्च होगी। तो गाइस मैं इस पर गेमिंग बेंचमार्क मतलब एक पीसी बिल्ड कर दूंगा अगर आप चाहो तो, क्योंकि मेरे पे अभी कोई पीसी है नहीं, अगर आप चाहो तो मैं इस पर पीसी बिल्ड करके उस पर गेमिंग भी ट्राई कर सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस। I killed it.